हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन सनी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी कमजोर होने के तीन मुख्य कारण। वैसे तो इम्यूनिटी कमजोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज मैंने आपसे इस वीडियो में वो तीन मुख्य कारण शेयर किए हैं जिसके कारण से हमारे भाई बहन ज़्यादा प्रभावित हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ नया जानकारी देने की कोशिश की है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक शक्ति, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर को बैक्टीरिया या वायरस से रक्षा करना। आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी एक तरह का हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस का काम होता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को वायरस से बचाना। उसी तरह इम्यूनिटी भी हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है। अब मैं आपसे वो तीन मुख्य कारण शेयर करूंगा जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। पहला है तनाव यानी कि स्ट्रेस ज्यादा लेना। तनाव आपको किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे बिजनेस के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण, फैमिली इशू के कारण या कोई भी फाइनेंशियल इशू के कारण। जब आप तनाव लेते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करती है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। जब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसके कारण आपके पेट पर चर्बी जमना शुरू हो जाता है, यानी आपको मोटापा होने लगता है। मोटापा होने से आपके शरीर में दूसरी प्रॉब्लम, जैसे कि आपको डायबिटीज़, आपको हार्ट प्रॉब्लम या आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी तो ज़्यादा स्ट्रेस होने पर लोग मीठा ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। इन सभी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और हमें बुखार, जुकाम, खांसी और भी कई बीमारियां हमारे शरीर को होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तनाव यानी कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। चलिए अब आपसे दूसरा रीज़न शेयर करता हूँ। दूसरा मुख्य कारण है नींद का पुराना होना या कम सोना। जब हम सोते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक साइटोकाइन नाम का प्रोटीन रिलीज करता है। नींद ना पूरी होने के कारण या कम सोने के कारण हमारे शरीर में साइटोकाइन की प्रोडक्शन कम होती है। जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर को साइटोकाइन प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ साथ कम सोने से हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज और सेल की मात्रा भी कम होने लगती है। नींद कम लेने से हमारे शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स, जब हम नींद कम लेते हैं तो हमें स्ट्रेस यानी तनाव होने लगता है। नींद कम लेने के कारण हमें भूख ज़्यादा लगती है। भूख जब हमें ज़्यादा लगेगी तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे। ज़्यादा खाना खाने के कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, और नींद को कम लेने के कारण हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अडल्ट को 7 से 9 घंटे और टीन एजर्स को 9 से 11 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी मुख्य कारण शेयर करूंगा जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तीसरा कारण है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण। हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं। लोगों के पास समय कम होने के कारण लोग आजकल प्रोसेस फूड या जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बहुत सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़। हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और हमें अच्छी तरह से नींद भी लेनी चाहिए। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप घर पर ही अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में
कुछ नई जानकारी आपको मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।